फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन सवाल, बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत कॉमनली पाने जाने वाला, जो हर पेरेंट्स के माइंड में होता है कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के बाद तुरंत या थोड़ी देर के बाद दूध बाहर निकाल देता है, दूध पलट देता है। यस, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना है और कौन सी अलर्ट साइन है जिसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगले वाला वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग या फीडिंग जो है वो पलट देता है, इसका रीज़न क्या है, क्यों पलटता है। इसके बहुत सारे रीज़न है, कुछ नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मल रीज़न भी है। एबनॉर्मल रीज़न जो है मतलब कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें बच्चा ऐसे करता है और फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज जो है, उसके कारण भी बच्चा दूध निकाल देता है और फिर आपको कुछ अलर्ट साइन दिखते हैं, उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। ये अलर्ट साइन क्या है मैं आगे बताने वाली हूँ। सेकेंड जो है कि कॉमनली क्या रीज़न होता है, जैसे बच्चा फीडिंग लेता है तब प्रॉपर अटैचमेंट अगर नहीं है, माउथ और निपल के बीच में प्रॉपर अटैचमेंट नहीं है, तो उसके कारण जो एयर है वो धीरे दूध के साथ अंदर चली जाती है और बाद में इसके कारण वोमिट हो जाता है या दूध पलट जाता है। ये बहुत कॉमन रीज़न है, आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अगर वोमिटिंग जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में है, या वो दूध जैसी है, या वो दही जैसी है, या पनीर जैसी है, तो ये बहुत कॉमनली पाया जाता है, इसमें आपको टेंशन की बात नहीं है। अलर्ट साइन क्या है इसमें, इसमें अलर्ट साइन ये है कि वोमिटिंग अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, बहुत एकदम से बाहर दूर तक बच्चा फेंक रहा है। सेकेंड जो है, बच्चा बिल्कुल भी फीडिंग नहीं ले रहा है, एकदम वीक हो गया है, इरिटेबल हो गया है, क्राइंग कर रहा है। थर्ड जो है कि वोमिटिंग का कलर, अगर ग्रीनिश कलर की है, येलोइश कलर की वोमिट हो रही है, तो वो भी अलर्ट साइन है। फोर्थ जो है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करता है, इरिटेबल हो जाता है, ये जो है अलर्ट साइन है। अगर ये आपको पाने के लिए मिलता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके पहले जो मैंने बताया कि कॉमनली जो मिलता है वो नॉर्मल होता है, 6 मंथ तक वो धीरे धीरे कम हो जाता है, 4th मंथ में वो पीक लेवल पे होता है और 1 साल तक 90% बच्चों में वो कम हो जाता है। इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे कि अगर फीडिंग लेने के बाद बच्चे को अपराइट पोजीशन में रखना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अपराइट पोजीशन में बर्पिंग कैसे करना है, क्या तरीका है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है, आप जाके उसको ज़रूर देखना। तो आपको प्रॉपर 20 मिनट तक बर्पिंग करना है, उसके बाद अगर आप बच्चे को लिटाते हो तो उसको लेफ़्ट साइड में लिटाना है ताकि वो जो वोमिट है वो बाहर निकल जाए, वो निगल ना पाए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो पॉइंट है कि बच्चे को जो फीडिंग की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ानी है और क्वांटिटी कम करनी है। जैसे कभी कभी बच्चा क्या कर लेता है, बहुत ज़्यादा मिल्क ले लेता है, फीडिंग ले लेता है, और उसके कारण भी बाद में उसको दूध पलटने की शिकायत हो जाती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एक टाइम पे 50 ml उसको पिला रहे हो तो आपको वहाँ पे 25-25 ml डिवाइड करना है, या 30 ml, या फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी है, क्वांटिटी कम करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो चीज़ें हैं ये करने के बाद धीरे धीरे करके बच्चे का दूध पलटना कम हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था कि ग्रोथ के बारे में, अगर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर है, प्रॉपर वेट गेन हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रॉपर वेट गेन मतलब क्या, एग्जैक्टली कितना वेट गेन होना चाहिए, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ जाके ज़रूर देखना। तो ये सब चीज़ें अगर नॉर्मल हो रही है, बच्चा एक्टिव है, स्टूल यूरिन अच्छे से पास कर रहा है, दिन में 4-5 बार तो भी यूरिन पास कर रहा है, तो ये नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अलर्ट साइन जैसे मैंने बताया वो अगर दिख रहा है तो फिर आपको जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।